पंचर वाली साइकिल पर कोई डील-डॉल वाला बंदा बैठा हो और कोई साधारण सा बच्चा साइकिल को खींच रहा हो तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। खनन घोटाले में लिप्त अपने ही परिवार से परेशान जैसे तैसे पार्टी की साइकिल खींच रहे हैं, पर अब उन्हें गठबंधन के नाम पर हाथी का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। अवैध खनन और रिवर फ्रंट घोटाले में अखिलेश पर शिकंजा कसने के बाद अब सीबीआई और ईडी मायावती शासनकाल में हुए स्मारक घोटाले पर शिकंजा कसने जा रही है। वर्ष 2007 से लेकर 2012 के बीच मायावती के शासनकाल में लखनऊ और नोएडा में पार्क और स्मारक बनवाए गए थे, जिनकी लोकायुक्त जांच करने पर लगभग 1410 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और सबसे बड़ा करप्शन पत्थर ढोने और उन्हें तराशने के काम पर हुआ। हद तो तब हुई जब जांच में कई ट्रकों के नंबर दो पहिया वाहनों के निकले। इसके अलावा कई फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे गए। इस मामले में अब तक 199 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2017 में बीजेपी ने स्मारक घोटाले की जांच शुरू की तो एक बार फिर घोटाले का जिन बाहर आ गया, जिससे बचने के लिए उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन सपा और बसपा ने मिलकर गठबंधन बना डाला। अब सवाल ये है कि चाचा शिवपाल और पिता मुलायम के आशीर्वाद के बिना इस कमजोर साइकिल से अखिलेश कितने कदम चल पाते हैं, वो भी तब जबकि मूर्ति घोटाले में बुरी तरह फंस चुकी मायावती उस साइकिल पर विराजमान होकर देश की बागडोर संभालने का ख्वाब देख रही हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश के यादव वोटर हाथी को वोट नहीं देने वाले और ना ही जाटव लोग साइकिल को वोट देंगे। ऐसे में अभी से गठबंधन टाए टाए फिस होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि अपनी जेबें भरने वाले मौका परस्त नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और प्रदेश के समुचित विकास के लिए बीजेपी का कोई विकल्प नहीं।